तुसीं देख रहे हो अज की आवाज़ ते मैं गुरदीप सिंह पट्टी। अज वख वख मुलाजमान वल्लों धरना प्रदर्शन रैलियां कढ़ियां क्योंकि इन्हां दीआं कई चिरां तों लटक रही मंगां पूरियां नहीं हो रही, पेंशनां बहाल नहीं हो रही नवीआं, ते इह अज खजाना दफ्तर विच रोस प्रगट करन आए ने, धरना लाउण आए ने। इन्हां ने दस्सिया कि जेकर सरकार नहीं मानती तो साडा 6 दिसंबर तक धरना जारी रहेगा। धरना प्रदर्शन कीता है किहड़े कारण करके? साढ़े 8 तरीक तो पंजाब स्टेट मिनिस्टीरियल सर्विस यूनियन की हड़ताल जी लगातार चल रही है। उस तो पहले मैं तुम्हें दस दवा कि मेरा नाम संगत राम आ, मैं कलैरिकल यूनियन का CPF इंपलॉय यूनियन का जिला प्रधान आ। और साड़ी जी लड़ाई है सरकार नाल जी 2004 दे विच मुलाजमान की पुरानी पेंशन स्कीम बंद कर दी गई सी उहदे बारे आ। और उस तो बाद साडा जिहड़ा DA काफ़ी देर तो सरकार ने डीलिंक किया होया 12% उहदे बारे आ। और पूरे पंजाब दे विच साडी स्ट्राइक चल रही है, जे सरकार ने जां भगवंत मान हैंकड़ मुख्यमंत्री ने साडी गल ना सुनी तां इह संघर्ष अगे होर तिखा होवेगा। जिहड़ी बदलाव वाली सरकार भगवंत मान जिहड़ी कहिंदी कि असीं बदलाव दा बड़े वड्डे दावे करदी सी, इह पहलियां सरकारां वांगू इह वी मुलाजमान दे हक दे विच नहीं गल कीती। जद इह सत्ता दे विच आउणा सी इन्हां ने जदों पब्लिक नूं लारे लाए उहदे विच इन्हां बड़ा स्पष्ट किया कि मुलाजमान दीआं जिन्नियां वी मंगां उन्होंने ही पहल के आधार पर उन्हों का हल करांगे, खासकर जिहड़ी पुरानी पेंशन आ उन्हों असी बहाल करांगे। पर 1.5-2.5 साल के होने के बावजूद भी लारिया लप्पे तो सिवाए कुछ नहीं मिलिया। और ये जिहड़ा लोगों का रोस होने का करके अज सारे मुलाजम जिहड़े पूरे पंजाब के जिहड़े मुलाजम आ वो सड़कों पर बैठे ने और सरकार का पिट छापा कर रहे हैं। कपूरथले के लगभग 450 35-35 हज़ार जिहड़ा मुलाजम आ अज की तरीक दे विच काम छड्डी बैठा वा। और जिहड़े सैक्रटरीएट के जिहड़े बिल्कुल मुढ़ बैठे आ वह भी रोज़ रैलियां करते हैं और इन्हों जगाने की कोशिश करते हैं कि तुम जागो, पब्लिक का और मुलाजमान का भला सोचो ता जो आने वाले समय से नुकसान ना हो। पर जो सरकार का अड़ियल वतीरा वो इतों जा स्पष्ट लगता भी जिदा इन्होंने पुरा दूजे जी हम इलैक्शन रीसेंटली हुई नोटा तो भी घट जो वोटा सरकार को मिली तो लगता ये सरकार अपने उस नीति से चल पी। लगभग 38-40 डिपार्टमेंट हैं जी, मान लो DC दफ्तर हैगा वा, हैल्थ डिपार्टमेंट हैगा वा, ट्रैजरी डिपार्टमेंट हैगा, खजाना हैगा और सोशल सिक्योरिटी हैगा, किसी की पेंशन नहीं लगेगी, किसी तहसीलदार सर्टिफिकेट नहीं बच्चों का बनाएगा, बाकी जड़े हॉस्पिटल दे विच आ कई मेडिकल होने वो नहीं होंगे, काफ़ी जड़े इदा के काम जड़े 35-40 डिपार्टमेंट स्ट्राइक कर रहे हैं। बिल्कुल जिहड़ियां भी गवर्नमेंट रिपोर्टा मंगदी आ वो सारे जड़े आ रिपोर्टा असीं नहीं दे रहे, और बिल्कुल बंद करता। सरकार तो फोन आते हैं भी सानू आ रिपोर्ट चाहिए, असीं बिल्कुल मना करता कि पहला साडे नाल साडियां मंगा पूरियां करो फिर असीं तुहाडे जिहड़ियां काम करांगे सरकार दे। असीं नहीं चाहुंदे कि असीं इदां दे वतीरा रखीए, पर सरकार दे अड़ियल वतीरे ने सानू इत्थे लिया के खड़ा कर दिता। जिदा कि वख वख विभागों के सारे कर्मचारी जो कि मिनिस्ट्रियल यूनियन के अंडर आते हैं 8-11 तरीक तो धरने पर बैठे ने। इहदे विच मुख मंग पुरानी पेंशन बहाल करनी, DA दी किस्तां जारी करनियां, पे कमीशन च सोध करनी, 4-9-14 ACP बहाल करनी। पंजाब सरकार जदों सत्ता विच आई सी तां इहने मुलाजमां नाल वादा कीता सी, किसानां नाल कीता सी, मजदूरां नाल सारियां जिन्नियां भी भरातरी यूनियन वालियां उहनां नाल वादा कीता सी कि किसी नूं इह सड़कां ते नहीं आउण देंगे, कोई धरना नहीं लगेगा, सारे दियां समें सिर मंगां पूरियां होणगियां। पर सरकार वल्लों किसी नाल भी जिहड़ा वादा पूरा नहीं कीता जा रहा। 6 दिसंबर तक सरकार के खिलाफ इदा ही धरने प्रदर्शन चलणगे। जेकर पंजाब सरकार ने साडियां मंगां ना मनिया संघर्ष इस तों भी तिखा कीता जाएगा। सरकार वालों 5 तरीक की यूनियन नूं मीटिंग दित्ती हुई है, पर मीटिंगां पहलां भी बहुत बार कर चुके ने। इस बार असी मीटिंग के पत्र जारी होने के सहारे ते जिहड़ी आ हड़ताल बंद नहीं की, क्योंकि पिछली बार भी इन्हां मीटिंगां कीतियां सी पर मंगां जिहड़ियां साडियां लागू नहीं कीतियां। इस बार जेकर सरकार कल की जी 5 तरीक की मीटिंग है उहदे विच कोई सार्थक हल नहीं कढ़दी तां इह जिहड़ा 6 दिसंबर तक इस तरह जारी रहेगा, उस तों बाद होर भी संघर्ष तिखा कीता जाएगा। इहदे विच वेखो जी सारे ही विभागों के जिन्हें भी काम ने प्रभावित हो रहे हैं, चाहे वह अपना सर्टिफिकेट होण, रजिस्ट्रियां होण, अदालती केस होण, PWD दे होण, सिविल सर्जन दे होण, यानी कि हरेक महकमे दे विच मिनिस्ट्रियल स्टाफ जिहड़ा मुकम्मल हड़ताल ते आ। डीए का है,
ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਡਿਮਾਂਡਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨ।